बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल में एक बंदर रहता था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर खुशी खुशी अपना दिन गुजार रहा था। वह एक मिलनसार बंदर था और अपने पेड़ पर रहना ही पसंद करता था। वह एक नदी के किनारे एक बेरी के पेड़ पर रहता था। पेड़ हमेशा फलों से भरा होता था जो मीठे थे। बंदर पेड़ पर लगे फल खाता था। उसी जंगल में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी भी रहते थे। वे जंगल के आसपास रहने वाला एक खुशहाल जोड़ा था। एक दिन बंदर जो एक शाखा पर ऊंचा बैठा था, उसने मगरमच्छ को पेड़ के नीचे आराम करते देखा। बंदर मगरमच्छ से बात करने के लिए बहुत उत्सुक हो गया, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह उससे दोस्ती करना चाहता था। हेलो दोस्त, क्योंकि आप पेड़ के नीचे आराम कर रहे हो, आप मेरे मेहमान हो और मैं आपको कुछ खाना देना चाहता हूँ। बंदर ने मगरमच्छ को खाने के लिए बहुत जामुन दिए। मगरमच्छ ने उन्हें खा लिया। जामुन बहुत स्वादिष्ट थे। मगरमच्छ ने अपनी इस खातिरदारी के लिए बंदर को धन्यवाद किया और घर चला गया। मगरमच्छ प्रतिदिन नदी के किनारे आने लगा और बंदर द्वारा दिए गए फलों का आनंद लेने लगा। जल्द ही वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने कई विषयों पर चर्चा करते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वे सारा दिन वे एक साथ तैरते, फल खाते और दिन भर सूरज की रोशनी का आनंद लेते थे। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन लाने के लिए कहा। बंदर ने खुशी से मगरमच्छ को फल दिए और मगरमच्छ फल को अपनी पत्नी के पास ले गया। फल खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे फल बहुत पसंद थे। लेकिन उसने बंदर की पूरी कहानी उसे सुनाई। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पति उससे ज्यादा बंदर के साथ समय बिता रहा है, तो उसे जलन होने लगी। उसकी ईर्ष्या के कारण उसे एक भयानक विचार आया। यदि फल इतने रसीले हैं, बंदर का दिल कितना मीठा और रसदार होगा। क्या तुम मुझे बंदर का दिल लाकर दोगे? तुम ये क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम उसका दिल मुझे लाकर दोगे। क्या तुम बंदर को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? मगरमच्छ अपने दोस्त को मारने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। मगरमच्छ की पत्नी चतुर थी। मगरमच्छ अपने दोस्त को धोखा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने अपने पति से उसके लिए बंदर का दिल लाने की बेनती की थी। लेकिन फिर उसकी पत्नी ने बंदर के दिल को लाने तक कुछ भी नहीं खाने पर जोर दिया। उसकी पत्नी ने उसे फंसा दिया था और अब उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को चोट पहुंचानी थी। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसी बात कैसे पूछ सकता था? उसने एक योजना तैयार की और बंदर के पास पहुंचा। मगरमच्छ ने दुखी होकर बंदर से पूछा, मैं और मेरी पत्नी रात के खाने के लिए तुम्हें अपने घर का न्योता देते हैं। तुम्हें पहले ना बुलाने की वजह से मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है। वो तुमसे मिलना चाहती है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, इसलिए कृपया तुम आ जाना। मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। चिंता मत करो, आओ और मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। बंदर खुशी से मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। बंदर को मारने के इरादे से मगरमच्छ गहरे पानी में घुस गया। चारों ओर पानी देखकर बंदर घबरा गया और मगरमच्छ को धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। मगरमच्छ ने सोचा कि अब वो अपना असली इरादा बंदर को बता सकता है, क्योंकि नदी के बीच से भागना उसके लिए असंभव था। मगरमच्छ ने बेचारे से बंदर को कहा, मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। वो कहती है कि क्योंकि तुम दिन रात स्वादिष्ट फल खाते हो, इसलिए तुम्हारा दिल उन फलों से 10 गुना अधिक स्वादिष्ट होगा।
इन शब्दों को सुनकर बंदर हैरान रह गया। मित्र से इस प्रकार के शब्दों की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो शांत रहा और समझदारी से बोला, अरे दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तुम्हारी पत्नी को देकर बहुत सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। मैं आमतौर पर पेड़ के बिल में अपना दिल सुरक्षित रखता हूँ। तुम्हारी पत्नी को अपने दिल की भेंट करने के लिए मुझे अपना दिल पाने के लिए वापस जाना होगा। मूर्ख मगरमच्छ ये जानकर इतना खुश हुआ कि बंदर ने उसकी बेनती को स्वीकार कर लिया है। वो तेजी से वापस उस पेड़ की ओर तैरने लगा जहाँ बंदर रहता था। नदी के किनारे पहुँचने पर बंदर तेजी से मगरमच्छ की पीठ से कूदा और अपने पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ जल्दी में था और महसूस किया कि बंदर को अपना दिल लाने में बहुत समय लग रहा है। अरे दोस्त, देरी क्यों हो रही है? जल्दी अपने दिल को हासिल करो और यहाँ फेंको। मेरी पत्नी बहुत खुश होगी, तुम्हें अब अपनी दोस्ती निभानी होगी। बंदर ने हंसकर जवाब दिया, मेरे प्यारे मूर्ख दोस्त, तुमने मुझे एक दोस्त के रूप में धोखा दिया है। क्या कोई उसके दिल को निकाल सकता है और उसे एक बिल में रख सकता है? ये तो मेरी तुम जैसे धोखेबाज दोस्त से बचने के लिए योजना थी। अब चले जाओ और कभी वापस मत आना। मगरमच्छ अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदा था और सर झुकाकर घर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनो और हमेशा होशियार रहो।